मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी कृषि तड़का। मेरा नाम है अमृता। तो आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि माइक्रोवेव को डीप क्लीन कैसे किया जाता है। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं डीप क्लीन माइक्रोवेव को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है इसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि माइक्रोवेव कैसे क्लीन किया जाता है। माइक्रोवेव गंदा हो जाता है तो उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो डीप क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कांच का बाउल ले लिया है जो माइक्रोवेव सेफ है। 250 ml पानी इसमें हम डालेंगे, और यहाँ पे मैंने विनेगर ले लिया है। विनेगर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच विनेगर डालूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोवेव काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इस बाउल को रख दूँगी और माइक्रोवेव का डोर क्लोज कर दूँगी, और इसे मैं 5 मिनट तक सेट करने वाली हूँ। तो 5 मिनट तक मैं माइक्रोवेव करूँगी इसे ताकि बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन हो जाए। अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा गंदा है, जितनी डार्क है उसमें, तो आप इसके इसे 10 मिनट तक माइक्रोवेव कर सकते हो। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, मैं डोर ओपन करती हूँ और मैं इस बाउल को बाहर निकाल देती हूँ। तो बाउल काफ़ी गर्म है तो ऐसे ही हाथ नहीं लगाए आप लोग भी। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिया है। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ये नहीं है तो कोई सॉफ्ट कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। माइक्रोवेव को बंद करके ही ये प्रोसीजर करें आप, सेफ्टी का ख्याल रख के। तो अब इसे आपको शायद अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, मतलब माइक्रोवेव ऑफ कर दिया है, और इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे और इसका जो प्लेट है उसे निकाल देंगे बाहर, और इसका जो रोलर होता है इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से सफाई करेंगे इसके अंदर से। और बहुत ही आसानी से जो इसका डस्ट है वो निकल रहा है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है हमारा माइक्रोवेव, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और अब मैं आपको लाइट ऑन करके भी बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।